पहले यहाँ आए थे हमारे पास था लेकिन उसने पहले छोड़ा था कि वो हम छोड़ गया यहाँ से। हाँ हमें नहीं पता दिखाना क्या है, हमें नज़दीक पड़ता था हमारे से, हम उस पर चले। कहते हैं जी आप दो रहे थे तो छः अमन हमने अटेंड किए। ये बच्चा पहले कला घर से नहीं निकलता था, पहले तो मैं नहीं, फिर जो 15 बार गया है वहाँ पर खुश कर, तो फिर अब वो कह रहे हैं कि पहले तो उसने दो रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जो कट गई है चीज़ जी अब तो बोलते हैं फिर आपके पास चाहे। बताओ भाई क्या नाम है बच्चे का? शुभ। नहीं उसने जब वो यहाँ रहता था तब बताया था तुम्हें मेरे पास वहाँ ना। नहीं नहीं वो स्वामी छोड़ गया ना, हमें पता नहीं था पानी क्या है क्यों छोड़ा है। हमने सोचा इनकी तीन चीजें थी, एक घर का पितर चल रहा था, एक आदमी चल रहा था, एक औरत चलती थी। कभी कभी हाथ को भी प्रॉब्लम होती, कभी पैरों में कभी प्रॉब्लम होती, पर भाई का माइंड काम नहीं करता। बंदा बंदा सा रहता, बिल्कुल सुन रहता, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, पता ही लगता क्या कितना खराब हो जाता। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो भी प्रॉपर रूप से कटी नहीं है, उनकी छाया छाया सी अभी भी रहती है, और पितर भी ऐसे ही खड़ा, पितर ऐसे ही खड़े हैं ना। अभी दवाई मत दो, दवाई खाने से देखो सेहत बिगड़ जाएगी बच्चे की, चाय मत कर और बंद कर, चाय बंद कर ठीक से प्रॉपर चाय। वो मैं पूछ रही हूँ क्या नाम है तेरा? शुभ। शुभ मीत वहाँ कै बार गए? ये 15 बार गया, 15 बार गया, कल्ला चला जाता है टाइम। कोई बात तो 15 बार गया तू वहाँ, तेरा पैसा नहीं लगा? ना किराया लगता तो मैं इसको कहती थी मतलब नहीं, तो 6 बार जब अटेंड किया तो 6 हवन में पैसा नहीं लगा? वो बोलने को आए थे। कितने कितने के? वो घर से ले गए जो भी 100-200। अच्छा वो पहले किराया के पैसे तो दिए थे कितने? वो तो 3100। 3100 दिए थे, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं लगा? फिर वो तो हमारी श्रद्धा से हम मथा टेक करते थे, माथा टेक ले दो 200-400 रुपये जो भी था, वो उतारा मांगते नहीं थे हम टेक। वैसे उतारा तो करते थे? हाँ जी हाँ जी। नहीं वो उतारा करने का पैसा कैसे रख लेता है? वो तो ये कहता था शनि धाम में तो क्या कहते हैं, मैं तो ऐसे उतारे का एक पैसा नहीं रख सकता, पैसे ऊपर चढ़ाते। हाँ फिर आराम ही नहीं है। जब तू यहाँ आया था पहली बार तो यहाँ कुछ आराम आया था तेरे को शुरुआत में? आराम पड़ना चालू हो गया था पिछले हफ्ते आया था आपके यहाँ, पिछले हफ्ते नजब गड़ गया था जब से नजब गड़ गया। मैं फूंक मारता हूँ, मेरे को ये बताइए क्या महसूस हुआ? आंखें बंद कर कहीं झंझन झंझन होती है तो बताना मेरे को। होने दे कंपन, सारे शरीर में कंपन, ये खड़ा प्रेत वो ये कह रहा है कट के डॉक्टर को दिखाओ। फिर ये तो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। फिर ये कहता है कि अरे माता जी मैं बताऊँ, ये देखो ये प्रेत खड़ा है नुक्का जी। माता जी होता क्या है कि आप खुद बीमार हो, आप दूसरे को ठीक करने चल दिए, अब आपसे दूसरा कदापि ठीक नहीं होगा। एक बात, जब वो ठीक नहीं होगा तो 4 बार आएगा, आपने 3100 रुपये ले लिया, अब आप उसको कहीं भी भेज दोगे, कह दोगे भाई मेरा खत्म हो गया हाथ जोड़ के, डॉक्टर आए ना समझ में। अभी अपने आप से थोड़े नहीं कर रहा है, प्रेत है इसके अंदर, वो बता रहा है इसका पित्र है इसके अंदर अभी ठीक। अभी लेके आओ जो प्रेत थे इसके अंदर, 3 उसकी छाया भी है। अच्छा। सबको थोड़े ना दिखाई देता है, ये गद्दी छोड़ते ही ऐसा आशीर्वाद है, ये शनि धाम की गद्दी छोड़ते ही आदमी को आता तो वैसे ही दिखने लग जाता है, बंद हो जाता है वो, चाहे कोई भी हो। इसके पीछे कारण है माता जी, यहाँ बैठ के लोग सेवा कर सकते हैं, सब जगह सेवा नहीं होती है, सब जगह कुछ और चलता है। फिर पहले कुल में किसी ने सेवा नहीं की, मेरा तो दादा भी भजनी था भगवान के लिए गाया है, कम से कम 60 साल गा गए, मेरे पिता ने 16 साल तक भगवान के मंदिर के लिए गाया, मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा किया, आए ना समझ। फिर मैंने इतने मंदिर बनवाए हैं, क्या कहते हैं कि उनके पिता ने भी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया जितने मैंने मंदिर में लगवाए। फिर फर्क होता है कि नहीं, एक आदमी दान करने का स्वभाव रखता है, एक आदमी हृदय रखता है, अब फ्री नहीं कर रखा है। फिर चलो इसको यहाँ लेके रुक, कल शाम तक मैं बता दूंगा इसकी हालत कैसी होती है। अब कितने दिन बाद आना है? यहीं रुकना रात को, कल जाइए, कल सवेरे तक आराम पड़ जाएंगे इसको। जान और बोलो शनिदेव माजा की।